विक्रम लैंडर के साथ गए प्रज्ञान रोवर का क्या होगा? ये सवाल सबके जहन में घूम रहा है। दरअसल अभी प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर ही फंसा हुआ है। विक्रम लैंडर की तस्वीर मिलने के बाद अब भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये इसरो से संपर्क कर सकता है। बैटरी चार्ज होने के बाद विक्रम लैंडर फिर से काम शुरू कर सकता है। इसमें ऑटो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेट होती है जिससे ये स्वतः ही काम करना शुरू कर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी हार्ड लैंडिंग हुई होगी, यानी ये चार पैरों के सहारे नहीं उतरा होगा बल्कि गिर गया होगा। लेकिन फिर भी अगर ये काम शुरू करता है तो इसके रैंप खुलेंगे जिससे छह पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। अगर विक्रम लैंडर आड़े तिरछे गिरा होगा तो रोवर को बाहर निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके पहिए तभी जमीन पर पड़ेंगे जब विक्रम लैंडर सही दिशा में चारों पैरों पर खड़ा होगा। अगर वो तिरछा होगा तो प्रज्ञान भी बाहर निकलते ही पलट जाएगा और फिर उसके आगे काम करना मुश्किल होगा। प्रज्ञान रोवर को 14 दिनों तक चांद की सतह पर आधा किलोमीटर चलना था और जरूरी जानकारियां जुटानी थी। प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोट है। इसका वजन करीब 27 किलो है जबकि विक्रम लैंडर का वजन 1471 किलो है। 7 सितंबर को तय वक्त पर विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चांद की सतह से करीब 2 किलोमीटर ऊपर से विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया था। तब सभी निराश हो गए थे, लेकिन अब ऑर्बिटर की तरफ से विक्रम लैंडर की तस्वीर भेजने के बाद उम्मीदें फिर से जाग उठी है।